दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। आपको हम खबर दिखा रहे हैं जहां पे अड़ी अपर के जो लोग हैं उन्हें पानी की सख्त प्रॉब्लम है और उन्हें कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द उनका पानी जो है वो ठीक किया जाए। अस अड़ी सानिया शिमला उपर अड़ी रहने, साड़ा पानी जड़ा अज 8 महीने तो बंद है। वो टैंक है जो बैरान पे ना पाइप जगह जगह से आवाम ने जड़ा अपनी मर्जी ने सलाह करी जब छोड़े ना। इस तरह कोई मुलाजम नहीं है। एसडीएम को पहली दफा आए से असा तो उन्होंने यही का नहीं लिखा, यही आखना जे ही आहो जे ही आखिया तो वो भी कोई हमें मुलाजम मेरे मने नहीं। फिर मुड़ी तो अस पुंछ गए डीसी को, उत्थे लिखवाया, फिर अपने डी को लिखवाई तो आंदा ना अज तो आई, फिर चलिया फिर दोबारा एसडीएम साहब को। साड़ा कोई मुलाजम नहीं है उत्थे। अस ये चाहते हैं कि असं उत्थे मुलाजम दिता जाए साड़ा और पानी जड़ा अभी दोबारा स्कीम साड़ी बहाल हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो FMPW हैं उनकी जानिब से लगातार स्ट्राइक चल रही है और उन्होंने कई बार इस हवाले से सरकार से ये अपील की है कि उनके मसाइल को हल किया जाए, लेकिन अभी तक ये मसाइल हल नहीं हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं महेंद्र से पस मंजर नुमाइंदा की ये रिपोर्ट। मैं MPW हूँ, महेंद्र में ब्लॉक महेंद्र से हूँ। तो हमारी स्ट्राइक चल रही है 2 महीने से। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूंछ रोज जाते रहे, यहाँ से वहाँ हमारी स्ट्राइक चलती रही। हमारे मसले हैं, हमारे कुछ इश्यू हैं, हमारे वो इश्यू इन्होंने पूरे नहीं किए, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो जितने काम आए तक हेल्थ के काम होते हैं वो सारे हमारे हमसे होते हैं। हम MPW सारे मिलके हम काम करते हैं। तो ये हेल्थ का प्रोग्राम चलता है, जो नई स्कीम आती है, जितने प्रोग्राम आए, NHM के प्रोग्राम है, NHM की स्कीमें आई, सारे काम हमने MPW ने किए। हम काम करते हैं तो हमारे इश्यू है, हमें ना ग्रेड दिया जा रहा है, हमारी हमें ट्रेनिंग दी गई FMPHW की तो हमारा नाम दिया गया ANM। ये कौन सी बात है, हमारे साथ मेल मल्टीपर्पज लगे, वो उनकी DPC हुई, वो उनकी प्रमोशन होगी, उनके हमारे से वो अप ग्रेड में चले गए। तो हाँ, हमें वहीं पे रखा गया, हमारा ग्रेड जो था वो भी नहीं मिला और हमारा नाम ANM का नाम। अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्र से, जहां पे गवर्नमेंट हाई स्कूल संडोद के जो बच्चे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि इन्हें मीजल्स और रिबेला के इंजेक्शन लगाने के बाद प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फेक न्यूज़ थी। और इस सिलसिला में हमारे नुमाइंदे ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महेंद्र से भी जानना चाहा। बच्चों, कल आपको इंजेक्शन लगे थे? इंजेक्शन लगाने के बाद आप में से कोई बीमार हुआ है? मीजल रुबेला वैक्सीनेशन जो है वो हमने बालाकोट में की और मैं पर्सनली वहाँ पर गया था कि बॉर्डर का एरिया फारफ्लंग एरिया है, वहाँ पर था ही नहीं। हम शाम को इवनिंग को 6 बजे वहाँ से वापस आए तो कल एक वीडियो वायरल हुई कि वहाँ पर बहुत ही बच्चे जो है बीमार हो गए, कुछ रजौरी गए, कुछ पूंछ गए, ऐसा मेंट हुए तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया जो वेरीफाई किया गया। किसी किस्म का कोई भी बच्चा वैक्सीन के बाद बेहोश नहीं हुआ। मैंने स्कूल तीन या चार स्कूल थे उनकी को से कंफर्म किया और उन्होंने खुद ही अपनी स्कूल की वीडियो बना के हमें भेजी है।